नमस्ते, आज हम लोग सीखने वाले हैं अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करना है। सो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट थिंग हमको हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सो ब्लीडिंग कंट्रोल करने से पहले यू नीड टू वेयर ग्लव्स। सो ग्लव्स पहनने के बाद और जब तक आप ग्लव्स पहन रहे हो तो जिसको ब्लीडिंग हो रहा है वो खुद भी ब्लीडिंग रोक सकता है। Now after wearing gloves, after taking the precautions, first thing to control the bleeding is give pressure. Pressure उतने time तक देना है जब तक आपको bleeding नहीं दिख रहा है। If there is lot of bleeding और आपका first gauze piece पूरा blood से wet हो गया है तो आपको वो gauze piece निकालना नहीं है, उसके ऊपर ही आपको दूसरा ग्लॉस पीस प्रेशर देके रखना है। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट ब्लीडिंग हैज बीन स्टॉप्ड। अगर ब्लीडिंग बंद हो गया नहीं हो रहा है तो उसके साथ आप एलिवेशन भी दे सकते हैं। सो एलिवेशन के साथ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होगा। अगर हम लोग एलिवेशन देंगे तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा। नाउ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, नाउ हम लोग उसको प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। सो ड्रेसिंग हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक गया है। सो दिस इज कॉल्ड ड्रेसिंग एंड दिस इज कॉल्ड बैंडेज। सो यू हैव टू गिव प्रेशर बैंडेज। आपको ब्लैंडेज लगाने के बाद चेक करना है कि पेशेंट का बैंडेज बहुत टाइट नहीं है। एंड यू हैव टू टाई अ नॉट। आपको देखना है कि पेशेंट का फिंगर्स का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। पेशेंट को हाथ को ज्यादा मुंगी नहीं आना चाहिए। अगर पेशेंट के हाथों को मुंगिया आ रही है, नम हो रहा है, इसका मतलब आपने बैंडेज बहुत टाइट बांध लिया है। सो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए तीन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन एंड थर्ड इज प्रेशर ड्रेसिंग। सो ये तीन चीजों से कहीं पे भी ब्लीडिंग रुक जाएगा। थैंक यू।